साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव 2 चरणों में होने जा रहा है। राज्य में 4 और 11 मई को 2 चरणों में मतदान होगा और चुनाव नतीजे 13 मई को आएंगे। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस सभी चुनाव मैदान में है। सभी दलों के लिए चुनाव काफी अहम है। सभी राजनीतिक दल एक तरह से लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारी पर रखना चाहते हैं। इस चुनाव में मिली जीत बढ़ा दिला के साथ साथ स्थानीय स्तर के नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने का काम करेगी। चुनाव के लिए ये दल अपनी अपनी रणनीति पर काम कर रहे हैं। खासकर भाजपा और सपा बड़ी जीत दर्ज करने की योजना पर काम कर रहे हैं। वहीं सभी दलों ने चुनाव को देखते हुए मेयर, नगरपालिका अध्यक्ष पद और नगरपालिका पार्षद पद के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वहीं शाहजहांपुर नगर निगम में पहली बार महापौर का चुनाव हो रहा है। जाति समीकरण के हिसाब से शाहजहांपुर सीट पर सपा ने अर्चना वर्मा को प्रत्याशी घोषित कर कुर्मी कार्ड खेला था, लेकिन नगर निकाय चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन से ठीक एक दिन पहले भाजपा ने समाजवादी पार्टी को जोरदार झटका दे दिया। शाहजहां नगर निगम में महापौर चुनाव में सपा की प्रत्याशी अर्चना वर्मा ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली, जो सपा के लिए बड़ा झटका है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दांव खेलते हुए अर्चना वर्मा को ही शाहजहांपुर से मेयर के लिए उतार दिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से विवेक श्रीवास्तव हमसे जुड़े हुए हैं। वहीं सपा से अपना पक्ष रखने के लिए रविंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी हमसे जुड़े हुए हैं। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है प्राइम टीवी में। तो मैं चर्चा की शुरुआत सपा से करना चाहूंगी, रविंद्र जी आपसे करूंगी। चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने आपको बड़ा झटका दे दिया है। शाहजहांपुर से आपकी मेयर प्रत्याशी भाजपा में शामिल हो गई और आपके ही प्रत्याशी को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। अब शाहजहांपुर एक ऐसी जगह है जी जहां पर उनका अजय मंत्री है श्रीमान खन्ना जी, वहां से चुनाव नहीं आ रहे हैं। दूसरा एक तथा कथित संत रहता है चिन्मयानंद, जिसका बहुत बड़ा आश्रम है। ऐसी जगह पे अगर उनको प्रत्याशी नहीं मिले तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत शर्म का विषय है जी। दूसरी बात, अगर आप बगावत की कर रही हैं तो राजनीति में बगावत एक आम प्रचलन है। अगर कांग्रेस में बगावत नहीं हुई होती तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं बना होता। अगर कांग्रेस से बगावत नहीं हुई होती तो भारतीय जनसंघ भी नहीं बनता जी। अब दूसरा बड़ा बता दें, आप तो शाहजहांपुर बहुत छोटी जगह है, बहुत रिजोनेंस बहुत ज्यादा आ रहा है, रिजोनेंस ठीक करा दीजिए। दूसरा बड़ा आपको बताएं, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का गृह जनपद है गोरखपुर, 2 MLC है भारतीय जनता पार्टी के वहां पे, एक स्नातक MLC है देवेंद्र प्रताप सिंह, एक मनोनीत MLC है धर्मेंद्र सिंह सैथवार। देवेंद्र सिंह जी ने धर्मेंद्र सैथवार जी पे आरोप लगाया है कि वो पैसा लेकर टिकट दे रहे हैं। रविंद्र जी, आपकी आवाज मेरे तक नहीं आ रही, आपके पास आऊंगी मैं। हमारे साथ भाजपा से विवेक श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं। सर, आपने तो बड़ा दांव खेल दिया, शाहजहांपुर में चुनाव की पहली जंग है, कितनी चुनौती है आपके लिए? विवेक जी, आपको आवाज आ रही मेरी? विवेक जी, आपने बड़ा दांव खेल दिया, शाहजहांपुर में चुनाव की पहली जंग है, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? राजनीति है, राजनीति में चुनाव के मैदान में इस तरह के दांव पेच चले जाते हैं जी। तो अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि अपने प्रत्याशी को अपने दल में न रोक सके, उनका प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी में आ गया। कहीं ना कहीं अखिलेश और उनके समर्थकों के लिए बहुत निराशाजनक संदेश है। और भारतीय जनता पार्टी तो परिचित से मित्र से कार्यकर्ता के
पथ पर चलने वाली पार्टी है, हम तो लोगों को जोड़ने और विचारधारा के विस्तार में विश्वास रखते हैं। जी जी, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से मोहम्मद तकी भी जुड़े हुए हैं। तकी जी, सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, आप भी कहीं ना कहीं तैयारियों में हैं, अपने आप को निकाय चुनाव में कहां देख रहे हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी ने जनता को एक नया विकल्प दिया है और कई सालों से लगातार पार्टियां जनता को ठग रही हैं, बेवकूफ बना रही हैं, उनको लूट रही हैं। इतना पैसा नगर निगम में आता, पैसा कहाँ जाता है, रुपया कहाँ जाता है, कहाँ लगता है। आज भी नगर निगम के सभी नगर निगम इतने भी हैं, नगर निकाय हैं, सबकी हालत बहुत खस्ता है। आज भी सड़कें नहीं बनी है, सीवर सही से नहीं बने हैं, पानी सही से नहीं आ रहा है, और जो सड़कें हैं। तो आप किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं सर? आम आदमी पार्टी हमेशा जनता से जुड़े मुद्दों की बात करती है, वो हमेशा उन मुद्दों की बात करती है जनता की जिंदगी को डायरेक्ट सीधे तौर पर जो है प्रभावित करते हैं। आम आदमी पार्टी इस नगर निगम चुनाव में समाजवादी पार्टी से अच्छा करेगी और बीजेपी को कड़ी टक्कर देगी, क्योंकि दोनों पार्टियों ने, आम आदमी पार्टी ने अपने वादे हर जगह पूरे किए हैं, दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं अपने वादों से मुंह चुराया है, वादे पूरे नहीं किए। जनता ये बात समझ चुकी है और जनता ने आम आदमी पार्टी को अपने वादे पूरे करते हुए दिल्ली में देखा है, जनता ने आम आदमी पार्टी को अपने वादे पूरे करते हुए पंजाब में देखा है, और दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी जो वादे कर रही है सब पूरे कर रही है। जनता को समझ में आ रहा है कि कोई पार्टी हमारे वादों को पूरा कर सकती है, जो वादे किए गए हैं वो आम आदमी पार्टी। हम हाउस टैक्स माफ करेंगे, वाटर टैक्स को भी माफ करेंगे, हाउस टैक्स आधा कर देंगे, और जो बकाया जो हाउस टैक्स है उसके बिल आप फाड़ के फेंक दीजिए। जो जनता, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी नगर निगम में, उस दिन से आप जनता अपने पुराने बकाया बिलों को फाड़ के फेंक दे, कुछ देना नहीं पड़ेगा। उसके बाद भी आम आदमी पार्टी बजट नगर निगम का फायदे में लेके आएगी, क्योंकि जो घोटाला भ्रष्टाचार हो रहा है उसमें पूरी तरह से नगर निगम जो है हर जिले का हर जगह का डूबा हुआ है, और लगातार सरकारें रही हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, लखनऊ में देखिए पिछले 27 साल से लगातार मेयर जो है वो भाजपा के हैं, कई पार्षद 60% 62% जो है बहुत कई सालों से लगातार बीजेपी के हैं, लेकिन काम कुछ नहीं होता। बीजेपी कांग्रेस से हिसाब मांगती 70 साल होगा, 70 साल आपने किया, 70 साल क्या किया, इनसे पूछे ये अपने 27 सालों का 30-35 सालों का जो समाधान इनके बने हुए हैं, जहां से लगातार जीते हैं, जनता ने लगातार इनको जिताया है, उसका हिसाब दे, तो हिसाब देने की स्थिति में नहीं है। लगातार डेंगू फैलता है, गंदा पानी इकट्ठा होता है, चिकनगुनिया फैलता है, बीमारी फैल, आपने मोहम्मद तकी को सुना, उन्होंने तमाम आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर देंगे, हाउस टैक्स माफ करेंगे, आपने कुछ काम नहीं किया। देखिए मयूरी जी, ये तकी साहब का बेबुनियाद आरोप है। हमारे शासन काल में निकायों में बहुत से काम हुए हैं। सबसे पहले तो हमारी नगर पालिकाओं में बाजार में दोनों समय कूड़ा उठते, तकी साहब ने देखा होगा, स्मार्ट सिटी योजना के तहत बड़े बड़े सीवर पाइपें पड़ रही है। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है। सीवर पाइपें पड़ रही है, इसी के साथ साथ लगे हाथ हर घर जल योजना पे भी सरकार काम कर रही है। शहर का आबो हवा कैसे दुरुस्त हो, साफ सफाई हो, इसकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। तो सरकार हमारी जांच जिन जिन नगर निगमों में रही वहां पे हमने मिसालें कायम की है, और आगे भी हमारी खुद अपने ही रिजल्ट से लड़ाई है जी। हम कैसे पिछले बार से ज्यादा नगर निगमों में, नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने में कामयाब हूँ, ये हमारी चुनौती है। इसी चुनौती पे हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, अपने नेताओं के चेहरे पे, अपने डबल इंजन सरकार की ताकत पे नगर निकायों में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराने जा रहे हैं जी। रविंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी आपने मोहम्मद तकी को सुना, उन्होंने कहा कि वो आपसे अच्छा काम करेंगे, पिछली बार आपका नगर निगम में खाता भी नहीं खुला था, आपकी क्या इरादा है? खाली नकारात्मक पहलू मत बोलिए, नगर निगम में खाता नहीं खुला था, सहमत। उस समय हमें 22% वोट मिला था, 47 सीट मिली थी,
उस समय इनको 312 सीटें मिली थी और 40% वोट मिला था। 6 महीने बाद नगर निकाय चुनाव होगा। सर अब की कहां देख रहे हैं आप अपने आप को नगर निगम में? आप हमको रोकेंगे या बोलने देंगे? नहीं सर बता दीजिए अब की कहां देख रहे हैं। आपने पिछला उद्धरण दिया था तो मैं पिछला उद्धरण पूरा करके आगे ही बढ़ूंगा। जी बिल्कुल। पिछला उद्धरण आपने नहीं दिया होता तो मैं नहीं बोलता। जी बिल्कुल। नगर पालिका में ये 70 सीटें पाए थे, हम 45 सीटें पाए थे। नगर पंचायत में ये 100 सीटें पाए थे, हम 83 सीटें पाए थे। तो उसके बाद नगर पंचायत चुनाव होता है, हमारे 760 पार्षद जीते, इनके 720 पार्षद जीते हैं। तो ये तो आंकड़ा रहा। अब की बात करें यहाँ हमें कहाँ पाते हैं, तो सबसे सबसे पहला ध्वजा पताका हम फैलाएंगे लखनऊ में। लखनऊ में जो दुर्दशा इन्होंने किया है, करीब करीब 3 अरब का बजट था आखिरी, और सड़क तक नहीं बनवा पाई है। सड़क बनवाने की ये स्थिति हो गई कि जब प्रशासक वहां बैठे तो प्रशासकों ने 77 करोड़ रुपया ज्यादा मांगा, जबकि 170 करोड़ रुपया जारी हो चुका था सड़कों के लिए। कूड़ा उठाने की कंपनी इको ग्रीन थी, उसको हटा दिया इन लोगों ने, और 3 महीना तक कूड़ा पड़ा ही रह गया शहरों में। फिर 88 नए गांव जुड़े नगर निगम लखनऊ में, उनका केवल नाम बदला, कुछ भी नहीं किया, ना पानी की व्यवस्था, ना सड़क की व्यवस्था, ना बिजली की व्यवस्था। और गाय रखने का किराया 31 रुपए से बढ़ा के 500 रुपए कर दिया, कुत्ता रखने का 500 रुपए से बढ़ा के 1000 कर दिया, हाउस टैक्सेस डबल कर दिए। जिन्होंने अपने घर में छोटी मोटी दुकान चला के जीविकोपार्जन कर रहे थे, उनको कमर्शियल जबरदस्ती कर दिया और पेनाल्टी भी लगाई। तो ये इस प्रकार से जो उत्पीड़न किया है इन लोगों ने, वो नहीं चलेगा। और दूसरा एक प्रश्न हम पूछेंगे बार बार, जो हम बता भी रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपया आया था स्मार्ट सिटी बनाने के लिए केंद्र से, कहाँ गया वो 2000 करोड़ रुपया, और कहाँ है स्मार्ट सिटी? 210 करोड़ रुपया आया था राज्य सरकार से स्मार्ट सिटी के लिए, कहाँ स्मार्ट सिटी है और कहाँ पर वो 210 करोड़ रुपए हैं? फिर 500 करोड़ रुपए आए थे उच्चीकृत नगरीय निकाय के लिए, कौन एक नाम बता दें जो उच्चीकृत नगर निकाय है? तो पूछेंगे हम इन चीजों को, किसी भी हाल में पूछते रहेंगे। और जो टोटल बजट आखिरी दिया गया था नगर विकास को, वो 26000 करोड़ रुपए था। अब इतने अयोग्य हैं ये कि आखिरी आखिरी साल के बजट में 52% ही खर्च कर पाए। तो एवरेज ही मान ले 52% खर्च हुआ, तो नगर निकाय को 52% ही मिला, जबकि 30-30% बजट भी नहीं मिला नगर निकायों को। उसमें से क्या विकास करेंगे? और जो विकास करने के लिए मंचों पर चढ़ के झूठ बोलते हैं, तो ये बता दें कि 30% से 52% में से कौन सा विकास हो सकता है जब आपने 100% लक्ष्य रखा है? तो सर आप किस एजेंडे के साथ उतर रहे हैं, किस मुद्दे के साथ मैदान में उतर रहे हैं? इनका भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, जो सफाई कर्मचारियों को इन्होंने नियमित नहीं किया, शहर के बच्चों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, जितने इस प्रकार के जन उपयोगी मुद्दे हैं उन सारे मुद्दों के साथ हम उतरेंगे, जिसमें महंगाई सबसे ज्यादा प्रमुख है और बेरोजगारी प्रमुख। तो विवेक जी आपने तमाम आरोप सुने, कहा गया सड़क तक नहीं बनी, पानी बिजली की व्यवस्था नहीं हुई, उत्पीड़न किया जा रहा है, 2000 करोड़ की बात भी उन्होंने की है, जवाब दे दीजिए। देखिए सड़कें भी खूब बने, पानी बिजली की व्यवस्था भी बहुत दुरुस्त रही, और घर घर तक जल पहुंचने की योजनाओं पे भी काम चल रहा है, सीवर डीप सीवर भी डाले जा रहे हैं, स्मार्ट सिटी की योजना पे कार्य चल रहा है, कूड़े का निस्तारण पे भी काम चल रहा है। पहली बार हमारी शासन में बाजार में दोनों समय झाड़ू लगते प्रदेश की जनता ने देखा है। नगर निगम में हम जो कर सकते थे हमने किया, और उससे और अच्छा करने के लिए हम दोबारा जनता जनार्दन के पास आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, और हमारे इस कार्यों को देखते हुए पूरा विश्वास है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें प्रचंड बहुमत के साथ प्राप्त होगा। सभी नगरीय निकाय में भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने जा रहा है। जी ठीक है मोहम्मद तकी जी, मैं आपके पास आऊंगी। 17 नगर निगम है, कहाँ देख रहे हैं अपने आप को?
देखिए भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार बहुत फैला रखा है और भा से भाजपा, भा से भ्रष्टाचार और भा से भूत। और जब भूत स्तर चढ़ जाता है भ्रष्टाचार का तो उसको उधवाने के लोग ओझा के पास जाते हैं, ओझा झाड़ू से भूत उतारता है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो भ्रष्टाचार का भूत खंड करने के ऊपर चढ़ा रखा है उसको हम झाड़ू उतारेंगे और आम आदमी पार्टी इतनी भी सीटें उसमें बहुत कड़ी टक्कर देगी बीजेपी को, क्योंकि हम वो लोग हैं जो कितनी सीटों पर खुद को देख रहे हैं सर। हमारे कथनी में करनी में कोई फर्क नहीं है, हम तो 70% ज्यादा सीटें अपनी जीतने की दावा कर रहे हैं और जनता आम आदमी पार्टी बहुत पसंद कर रही है। आम आदमी पार्टी की टोपी लगा के कहीं भी चले जाइए, लोग हाथों हाथ लेने लोग स्वागत कर रहे हैं, लोग गले लगा रहे हैं, लोग कहते हैं हम चाहते हैं हमारे यहाँ हमारे क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का सभासद जीते, आम आदमी पार्टी का मेयर जीते, ताकि आम आदमी पार्टी आएगी तो काम करेगी और वो जनता के विश्वास पे खरी उतरेगी, वो जनता की महंगाई को कम करेगी और नगर निगम के अंदर जो कर्मचारी जो संविदा पर रखे हुए उनको चाहते हैं उनको फौरन जैसे ही सरकार, मतलब आपका कहने का मतलब है जो भी मौजूदा सरकार है वो जनता के विश्वास पर खरी नहीं उतरी है। देखिए अगर वो जनता के विश्वास पर खरी उतरी होती तो डेंगू से अस्पताल नहीं भर गए होते, अगर वो खरी उतरी होती जरा सी बारिश के अंदर जो है सड़कों पे पानी नहीं भर गया होता, इतना जाम न लगा होता और जो नालियां बिजबिजा रही हैं और जो गटर फंसे हुए हैं वो साफ हो गए होते तो कहाँ है इतनी बीमारियां हो रही, चिकनगुनिया हो रहा है, डेंगू हो रहा है, इंसेफ्लाइटिस हो रहा है, लोगों को हैजा हो रहा है, पेट खराब हो रहा है, दुनिया भर की बीमारियां हो रही है इसलिए गंदगी से भ्रष्टाचार की वजह से। अगर नगर निगम सही से काम करे तो हमारे शहरों के 60% बीमारियां खत्म हो जाए जो होना, और जिसके ऊपर जनता का पैसा बहुत खर्चा होता है, जनता के घर के बर्तन में जाते बीमारियों को तो हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, सड़कों को साफ करेंगे, नालों को साफ करेंगे, सीवर को साफ करेंगे, स्वच्छ पानी की व्यवस्था करेंगे, समेत में जो कर्मचारी लगे हुए नगर निगम में उनको स्थायी कर्मचारी करेंगे, अच्छा काम करेंगे, जनता को लगेगा कि यहाँ कुछ हो रहा है। जो 35 सालों से लगातार सभासद रहे बीजेपी के, या कालजी वार्ड है बस लगातार 7 बार से बीजेपी के सभासद रहे और दिवंगत हो गए और कोई ढंग का काम नहीं हुआ। इसका बार हमने वहां से एलपी चोपड़ा को जो खत्री समाज से हैं, जो महिला एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, उनको उतारा है कालजी वार्ड से, जो महिला का वार्ड है, कालजी एक माता का नाम है, उन्हीं के आशीर्वाद लेके हमने एलपी चोपड़ा उतारा है। एलपी चोपड़ा पढ़ी लिखी शिक्षित महिला है और वो जीतेंगी। और जो 7 साल से लगातार बीजेपी का बहुत कुशासन चल रहा है, कोई काम नहीं हो पा रहा है, उसको सही करेंगी। आज भी एक मिनट, आज उस एरिए में बारिश होती है, अभी कल 2 दिन बारिश हुई थी, आज उस एरिए में बारिश होती है तो घरों में पानी भर जाता है। ठीक है, हाँ मेरे साथ चलिए मैं दिखाऊं आप क्या हाल होता है वहां पे, 2 घंटे की बारिश में वहां घरों में पानी पहुंचना शुरू हो जाता है, ये बुरा हाल है वहां का। और 35 साल लगातार वहां बीजेपी रही है, उसी से क्या काम किया वहां पे। विवेक जी, मोहम्मद तकी को आप सुन रहे थे, उन्होंने सीधा सवाल आपसे किया है कि क्या काम आपने वहां किया है। साफ तौर पर उनका कहना है कि बीजेपी सिर्फ भ्रष्टाचार करती है और उन्होंने दावा किया है ज्यादा से ज्यादा सीट जीतने का। देखिए ये आरोप लगाना इनका काम है, आरोप लगाना इनकी फितरत है। और मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, आप आइए मैं दिखाता हूं आपको। आरोप से आगे भाग जाना वो भी इनकी फितरत है, ये हर आदमी के ऊपर आरोप लगाते आए है और उसके बाद ये आरोप पे कहीं खड़े नहीं उतरते। आपने देखा होगा यही आम आदमी पार्टी की पूरी राजनीति की स्थिति है, ये ईमानदार लोग हैं, कट्टर ईमानदार लोग हैं, शराब घोटाला सत्येंद्र जैन जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है, अरविंद केजरीवाल जी से पूछताछ चल रही है, ये कट्टर बेईमान लोग हैं। इन्होंने दिल्ली का जो बुरा हाल किया है दिल्ली के लोगों से जाकर भी पूछ सकते हैं आप। जल बोर्ड जिस तरह से टैंकरों से पानी पहुंचाने के वादे किए थे लोग वहाँ पानी के लिए तरस रहे दिल्ली में, वो सब भी चीजें दिल्ली की जनता ने देखा है। ये केवल वादा करने वाले लोग हैं, इनका वादा कहीं धरातल पे खड़ा नहीं उतरता। इनके शासन काल में यमुना की स्थिति जो आज है दिल्ली में, अभी ये कहेंगे साहब हम ये आगे साफ करा देंगे यमुना, न दिल्ली की हवा सुधरी न दिल्ली की यमुना सुधरी, दिल्ली का जो बुरा हाल किया वो सब लोग जानते हैं। ठीक है, विवेक जी वक्त की थोड़ी कमी है हमारे पास। मोहम्मद तकी जी आपसे मेरा आखिरी सवाल है, आपके 2 मंत्री जेल में बंद है, वहीं केजरीवाल से पूछताछ हो रही है, तो क्या इसका चुनाव में कोई फर्क देखने को मिलेगा जनता के समर्थन में आपके लिए। देखिए हमारा कोई भी मंत्री किसी
एक संगीन आरोप में नहीं बंद है, वो जो भी झूठे आरोप लगा के बंद कराया गया है, कोई प्रयास सबूत रही है। सर जमानत क्यों नहीं मिल पा रही? तब जमानत इसलिए नहीं मिल पा रही, जज को बदल देती है बीजेपी के लोग न्यायालय के कार्य में सचेप कर रहे हैं, वो सही प्रयास सबूत नहीं दे पा रहे हैं, उसको डिले करते जा रहे हैं ताकि इंप्रेशन बना सके कि वो आरोपी है और वो भ्रष्टाचारी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि वो आम आदमी पार्टी को अपनी तरह भ्रष्टाचारी साबित कर सके, ये खुद को तो भ्रष्टाचारी साबित करने में लगे हुए हैं, और सारे के बाद जितने दावे सब फर्जी हैं और ये सब जो है गलत आरोप लगा, ये कहीं से हवाला के व्यक्ति को पकड़ लेते हैं उससे कहते हैं नहीं ये तुम इनका नाम लो, कहीं से किसी दूसरे व्यक्ति को भ्रष्टाचारी को पकड़ लेते हैं उससे कहते हैं इसका नाम लो, इसका नाम लो, तो ये ठीक है। विवेक जी से छोटा सा जवाब लेते हैं। विवेक जी ये झूठे आरोप लगाने के से मोहम्मद तकी जी का कहना है कि जितने भी आरोप लगे हैं उनके मंत्रियों पर वो सभी झूठे हैं, जल्दी से जवाब दे दीजिए। देखिए इनके हिसाब से तो अदालतें भी अंधी है, अदालतें इनको न्याय नहीं दे रही है, दौरान अदालतों में उनकी जमानत नहीं मिली, इसका मतलब है कि वो दोषी साबित हो गए नहीं मिला, ये अदालत के ऊपर भी आरोप लगाने लगेंगे थोड़ी देर बाद, अभी ये न्यायपालिका के ऊपर भी प्रतिष्ठा लगाने लगेंगे, ये अराजकतावादी लोग हैं, आरोप लगाना इनकी फितरत है और आरोपों से भागना भी इनकी फितरत है, देश इनका इनके छल को समझ चुका है, हम इनके छलावे में जनता फंसने वाली नहीं है। जी ठीक है, आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो निकाय चुनाव में महज कुछ ही वक्त रह गया है, जिसको देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है। बता दें सभी दलों ने चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिए हैं। 4 मई को निकाय चुनाव होने हैं, जिसको लेकर सभी दलों ने, सभी पार्टियों ने, सभी प्रत्याशियों ने तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी है। अभी के लिए इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।